244 छलावा चेरी का रिश्ता। ठकुराइन ये शोर कर चुकी थी कि छलावा कौन है और अब उसे छलावा को अपनी तरफ करना था। सुमेर को तो जैसे सांप ही सूंघ चुका था ये जानकर कि छलावा बंजारन का बेटा है, और जाहिर सी बात थी कि अगर छलावा बंजारन का बेटा है तो उसके अंदर सुमेर से कई गुना ज्यादा ताकत भी हो सकती है। सुमेर ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए पूछा, तो अब आपका क्या प्लान है माँ, आप क्या चाहती हैं? छलावा को आप अपनी तरफ करके बंजारन का खात्मा करेंगी? ठकुराइन बोली, सबसे पहले तो मुझे ये मालूम करना पड़ेगा कि क्या छलावा बंजारन से मिल चुका है या नहीं। कहने का मतलब ये है कि कहीं उसके मन में माँ की ममता वाली भावना तो नहीं है। सुमेर बोला, अगर छलावा को ये पता ही ना हो कि वो बंजारन का बेटा है तो? ठकुराइन इस बात पर एक्साइटेड होते हुए बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे लिए सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी, तब तो हम उसकी शक्तियों का जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ये जानता है कि बंजारन उसकी माँ है तो थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, लेकिन कैसे भी करके मैं छलावा को अपनी तरफ करके अपना काम जरूर निकलवा लूंगी। फिर ठकुराइन अपने मन में बोली, मेरे पास दो चीजें हैं जिनसे मैं बंजारन पर दो तरफा वार करूंगी। सुमेर अपनी माँ की तरफ देखता हुआ अपने मन में बोला, आपने ये बात बताकर बहुत अच्छा किया, अब छलावा को मैं अपनी तरफ करूंगा, लेकिन इसलिए नहीं कि वो बंजारन का खात्मा कर सके, अब एक बेटे के हाथों एक माँ को मरवाना, नहीं नहीं ये पाप मैं नहीं कर सकता। हाँ, मैं छलावा की मदद से उस बंजारन को काबू में जरूर कर लूंगा और फिर। ठकुराइन ने जब देखा कि सुमेर हंस रहा है तो उसने पूछा, तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो? सुमेर बोला, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है ये सब सुनकर, इसलिए। ठकुराइन बोली, चलो चले यहाँ से, अब आगे ये सोचना है कि क्या करना है। सुमेर ने कहा, हाँ बिल्कुल चलिए, कल सुबह मुझे भी बहुत जरूरी काम करना है। सुमेर ठकुराइन को लेकर हवेली लौट आया था, लेकिन सुमेर को चैन नहीं था, वो सोने के बजाय कमरे में टहल रहा था। उसके दिमाग में एक से बढ़कर एक साजिश तैयार हो रही थी। एक तरफ तो वो अनन्या के पिता की मदद से कल किसी भी हालत में चेरी को वापस लाना चाहता था, उसकी ये योजना चली रही थी, और दूसरी तरफ से छलावा को किस तरह से बहलाना है इस योजना के बारे में सोच रहा था, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ करना मुश्किल था, लेकिन सुमेर के लिए दोनों ही जरूरी थी। हालांकि सुमेर इस बात से बिल्कुल अनजान था कि वो जिन दो इंसानों को अपनी तरफ करने के बारे में सोच रहा है, चेरी को या छलावा को, वो दोनों ही बंजारन के बच्चे हैं। अगली सुबह विक्की के घर में सब सोए हुए थे, तारा को रात भर नींद नहीं आई थी, इसलिए वो सुबह जल्दी उठकर किचन में सबके लिए चाय नाश्ता बनाने की तैयारी में लग गई थी। वो इसी बहाने सबको उठाना चाहती थी ताकि वो उन लोगों से बात कर सके छलावा और चेरी के बारे में। इतना सब दिमाग में चलाते हुए तारा के हाथ जल्दी जल्दी चल रहे थे, वो अपने आप में बेहाल थी, कटे हुए प्यास से आंसू आने की वजह से वो बार बार अपने हाथों से अपने आंसुओं को पोंछती जा रही थी, साथ ही साथ उसके बाल बिखर बिखर कर उसके चेहरे पर आ रहे थे, उन्हें भी समेट रही थी। और तभी अचानक तारा को अपने चेहरे पर किसी के हाथ का एहसास हुआ, उसने चौंकते हुए देखा तो सामने विक्की खड़ा था। विक्की तारा की तरफ मुस्कुरा कर देखता हुआ उसके बालों को समेट कर उसके कान के पीछे कर रहा था। तारा ने विक्की से हैरानी में कहा, तुम यहाँ? विक्की ने तारा को छेड़ते हुए कहा, अब तुम आधी रात से ही खटर पटर स्टार्ट कर दोगी तो किसी की भी नींद टूट जाएगी, मुझे लगा कहीं कोई चोर तो नहीं है इसलिए देखने आ गया, लेकिन जब यहाँ आकर देखा तो यहाँ तो डाकू है। तारा आंखें बड़ी करती हुई बोली, क्या मतलब है तुम्हारा, मैं डाकू हूँ? विक्की ने कहा, तुम डाकू ही तो हो जो मेरा। इतना कहते कहते विक्की चुप हो गया और तारा विक्की की अनकही बात समझ कर शर्मा गई। विक्की ने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब किस लिए है इतनी सुबह सुबह? सचनी तो आने वाली है ना या नहीं आ रही है? तारा बोली, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सजनी आएगी, दरअसल मुझे रात भर नींद नहीं आई तो मैंने सोचा कि सुबह सुबह क्या करूं, तो फिर मैं बाहर वॉक करके आ गई और फिर सोचा सबके लिए चाय नाश्ता बना देती हूँ, सजनी आएगी तो बाकी का काम कर लेगी। तारा की बात पर विक्की ने तारा के चेहरे को गौर से देखा, वो बहुत थकी थकी सी लग रही थी, रात भर ना सोने की वजह से उसकी आंखों के आसपास कालापन दिख रहा था। विक्की ने पूछा, क्या बात है तारा, तुम सो क्यों नहीं पाई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तारा बोली, हाँ विक्की मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। तारा की बात पूरी होने से पहले ही विक्की ने तारा के हाथ से चाकू को छीनकर साइड में रखते हुए फटाफट गैस को ऑफ किया और तारा को ले जाकर वहीं किचन में रखे एक स्टूल पर बैठाया और कहा, अब बताओ क्या बात है। विक्की तारा के घुटनों के पास बैठा हुआ था और उसके चेहरे को देख रहा था। तारा के चेहरे पर उलझन देख कर विक्की को टेंशन होने लगी थी। तारा खामोश थी। विक्की ने उसका हाथ थामते हुए कहा, बताओ तारा, देखो इस तरह चुप मत रहो, मुझे बहुत टेंशन होगी, वैसे भी हम लोगों की जिंदगी में इतनी टेंशन है कि समझ में नहीं आता कि कब कौन सी नई मुसीबत कहां से आ जाए। तारा बोली, लेकिन इस बार जो बात है ना
वो बहुत ही ज्यादा अजीब है। ये बात छलावा और चेरी के बारे में है। विक्की हैरान सा बस उसकी तरफ देखता रहा। तारा आगे बोली, मुझे लगता है चेरी छलावा की बहन है। विक्की बोला, हाँ तो इसका जिक्र पहले भी तो हुआ था ना। तारा ने कहा, नहीं विक्की, ये शक नहीं है, ये यकीन है कि चेरी छलावा की बहन है। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि ये बात छलावा जानता है, बल्कि वो दोनों मिलकर आपस में बातचीत भी करते रहते हैं। अब हैरान होने की बारी विक्की की थी। वो बोला, ये तुम क्या कह रही हो? देखो, अगर वे लोग बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो लोग आपस में कुछ डिस्कस करके कोई प्लान कर रहे हैं या आपस में भाई बहन है, ये बात जानते हैं। तारा ने विक्की को सारी बातें बताई कि कैसे छलावा अपने घर गया, फिर चेरी गई, चेरी छुपते छुपाते आई, फिर छलावा आया, कल रात को ये लोग किस तरीके से बात करने गए वगैरह वगैरह। ये सब सुनकर विक्की को ना चाहते हुए भी तारा की बात पर यकीन हो गया था और वो कुछ सोचते हुए बोला, समझ गया। एनीवे, इस वक्त तुम उसके लिए इतना मत सोचो, ध्रुव और छलावा को जागने दो, हम उससे बात करते हैं। तारा इनकार करते हुए बोली, छलावा से नहीं, हमें पहले आपस में बात करनी होगी। हम नहीं जानते कि छलावा हमारी बात का सही जवाब देगा भी या नहीं, क्योंकि अगर चेरी के साथ मिलकर वो कोई भी डिस्कशन कर रहा है तो उसे हमें बताना चाहिए था। लेकिन अगर वो हमसे छुपा रहा है ये सब कुछ, तो जाहिर सी बात है कि हमें छलावा को अपनी चीजों में शामिल करने से पहले एक बार सोचना होगा। कितनी अजीब बात है कि छलावा ये सब तो जरूर जानता था कि चेरी उसकी बहन है और बाकी की चीजें, लेकिन वो सिर्फ उसका साथ इसलिए देना चाहता था क्योंकि वो अनन्या को वापस लाना चाहता था। उसने चेरी की बात भी इसलिए मानी थी ताकि वो अनन्या तक पहुंच सके। हालांकि छलावा का इरादा कभी भी अपने दोस्तों को धोखा देने का नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, कई बार हमारे इरादे अच्छे होते हैं लेकिन हम जो करते हैं उसका इम्पैक्ट गलत पड़ जाता है, ना चाहते हुए भी हम गलत साबित हो जाते हैं। वही छलावा के साथ हो रहा था। अच्छे और सही इरादों के साथ भी छलावा गलत साबित हो रहा था। उसके दोस्त जो एक दूसरे पर आंख बंद करके भी भरोसा करते थे, उनको छलावा पर शक हो रहा था। और अब ये नौबत आ गई थी कि कोई भी बात करने से पहले उन्हें छलावा को दूर रखना होगा। पहले आपस में बात करेंगे, फिर सोचा जाएगा कि छलावा से पूछा जाए या नहीं। कई बार प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी नहीं होती जितनी कि इंसान बना देता है। अगर आमने सामने बात कर ली जाए तो अगर किसी के लिए शक था तो उसे अगर खुलकर बोल दिया जाए या पूछ लिया जाए तो शायद उसका सलूशन हो ही जाता है। लेकिन जब तक शक को बंद करके रखा जाता है, भीतर ही भीतर उसके बारे में सोचा जाता है, प्लान्स किए जाते हैं, तब वो शक एक बीमारी का रूप ले लेता है जिसका फिर कोई इलाज नहीं होता। और वही शक की बीमारी अब छलावा के दोस्तों के भीतर पनपने लगी थी। खैर, अभी जानना ये था कि आखिर इसका क्या सलूशन होने वाला था। तारा अभी भी स्टूल पर बैठी थी और विक्की उसके घुटनों के पास बैठा हुआ था। उसके हाथ को थाम कर विक्की ने देखा कि तारा बहुत टेंशन में है। तभी विक्की को शरारत सूझी और उसने तारा का मूड ठीक करने के इरादे से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि ये पोज प्रपोज के लिए अच्छा है? मतलब ऐसा होता है ना कि लड़की खड़ी है, लड़का घुटनों पर बैठा है, उसे फ्लावर दे रहा है, रिंग दे रहा है, पर वो कॉमन हो गया है। आखिर लड़की कब तक खड़ी रहेगी? उसके पैरों में भी तो दर्द होता होगा, इसलिए मैंने तो सोच लिया है, मैं तो ऐसे ही बैठकर प्रपोज करूंगा। आराम से बैठो, थकने की कोई जरूरत ही नहीं है। तारा विक्की को पीछे धक्का देते हुए खड़ी होती हुई बोली, चलो हटो, तुमसे प्रपोज कौन होगा? विक्की ने एकदम से तारा का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर वापस बिठाकर बोला, ये तो तुम भी अच्छे तरीके से जानती हो कौन प्रपोज होगा। वैसे अगर तुम चाहो तो मैं एक दो लोगों को प्रपोज करके दिखा सकता हूँ डेमो के लिए, क्या कहती हो? इतना कहकर विक्की ने तारा को देखकर आंख मारी। तारा कुछ देर तक तो विक्की को देखती रही, प्यार से निहारती रही और फिर एकदम से उसके हाथ में दांत से काटती हुई बोली, तो जिसको डेमो दिखाना है उसी से शादी भी रचा लेना, डेमो वाली शादी। इतना कहकर तारा वापस से अपने काम में लग गई। विक्की ने कहा, यार तुम तो बड़ी फास्ट हो, मैं यहाँ पर प्रपोज की बात कर रहा था, तुम शादी तक पहुँच गई। वैसे शादी तक पहुँची गई हो तो बच्चों के बारे में क्या ख्याल है? तारा विक्की को देखकर हंसते हुए बोली, बच्चे तुम्हारे जैसे एक तुम ही काफी हो, तुम्हारे जैसे और एक दो हो गए ना तो संसार का कल्याण है। विक्की ने तारा के कंधे पर अपने कंधे से मारते हुए कहा, मेरे जैसे बच्चे? मैंने तो अपने जैसे बच्चों की बात ही नहीं की, मतलब तुम चाहती हो बच्चे मुझ पर जाएं? तारा एकदम से बोली, बिल्कुल नहीं, बच्चे तो मुझ पर ही जाएंगे। इतना कहती कहती तारा एकदम से चुप हो गई और जमीन की तरफ देखने लगी। शर्म के मारे उसकी नजर ही नहीं उठ रही थी। विक्की जोर से हंस पड़ा। विक्की के हंसने पर तारा ने उसे धक्का देते हुए किचन से बाहर का रास्ता दिखाया और बोली, खबरदार, अब अगर किचन में आए तो घर से बाहर निकाल दूंगी। और फिर अपने आप में शर्माती हुई बोली, तू भी ना तारा, कुछ भी बोलती है, अभी ऐसी सिचुएशन में तू इस तरह की चीजें कैसे सोच सकती है? विक्की जाते जाते बोला, घर से निकाल दोगी? ये टिपिकल औरतों वाले गुण तुम में तो नहीं थे। खैर, लड़की ही हो,
कब कौन सी माता जाए कौन जानता है। वो इतनी जोर से बोल रहा था कि उसकी आवाज से ध्रुव और छलावा की नींद खुल जाती है। ध्रुव ने विक्की से पूछा, क्या हुआ, किससे झगड़ा कर रहा है? विक्की बोला, कुछ नहीं, तारा किचन में नाश्ता बना रही है तो उसी से बात कर रहा था। तुम लोग उठ ही गए हो तो चलो फ्रेश हो जाओ, नाश्ता बन गया है फिर चाय नाश्ता किया जाए। विक्की छलावा के चेहरे को गौर से देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर उसे कुछ भी अलग नहीं दिख रहा था, वो बिल्कुल नॉर्मल ही लग रहा था। विक्की अपने मन में सोचता हुआ बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कि तारा ओवर थिंकिंग कर रही है। तभी चेरी भी अपने कमरे से निकल कर आई, लेकिन वो बहुत घबराई हुई सी थी। चेरी को अचानक इस तरह घबराया हुआ देख किसी को समझ नहीं आया और छलावा ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो, इस तरह परेशान क्यों लग रही हो? चेरी ने कहा, कुछ नहीं, बस मैंने कोई डरावना सपना देखा है, मुझे कुछ देर फ्रेश एयर की जरूरत है, मैं गार्डन में हूँ। इतना कहकर वो बाहर निकलने लगी, लेकिन उसने पीछे से छलावा को कुछ इशारा किया और छलावा भी चेरी के पीछे निकला। सावधानी से बाहर निकलकर देखा तो चेरी बेचैनी से तबेले की तरफ टहल रही थी। छलावा ने जाते ही पूछा, क्या बात है चेरी? चेरी सीधा बोली, सुमेर आने वाला है और कुछ बहुत ही बेकार सा सोचकर आ रहा है, वो मुझे यहाँ से तो ले ही जाएगा और ध्रुव और विक्की को भी बहुत बुरी तरह से फंसाएगा। छलावा ने पूछा, ये तुमने कैसे जाना? मेरा मतलब है, मुझे पता है तुमने कैसे जाना होगा, लेकिन इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? चेरी ने कहा, छलावा तुम जानते हो मैं किसी के सपने में जाकर कुछ भी मालूम कर सकती हूँ। आज मैं सुमेर के सपने में जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है कल रात में सुमेर के बारे में सोचती हुई सोई थी, इसलिए मैं अपने आप उसके सपनों में पहुंच गई। सुमेर किसी भी वक्त आने वाला होगा। ये सुनकर छलावा ने कहा, आने दो, मैं भी देखता हूँ वो क्या करते हैं। चेरी और छलावा अपनी बात कर रहे थे, ये जाने बिना कि विक्की उन लोगों की सारी बातें सुन रहा था। विक्की बहुत ज्यादा हैरान हो गया। विक्की तुरंत वापस पलटा और घर में आकर सीधा तखत पर बैठकर हैरानी से बोला, मतलब तारा सही कह रही थी, ये दोनों भाई बहन हैं और ये दोनों भी इस बात को जानते हैं। बल्कि छलावा के पास सम्मोहन की शक्ति है, किसी को छलने की शक्ति है और चेरी के पास सपनों की शक्ति है। ध्रुव फ्रेश होकर वापस आ चुका था। उसने देखा कि विक्की किसी बात से परेशान है। ध्रुव उसके पास गया और उससे बोला, क्या हुआ विक्की, तू ऐसे क्यों बैठा है? लेकिन विक्की तो ध्रुव की बात सुन ही नहीं रहा था। ध्रुव ने जब देखा कि विक्की उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दे रहा है, तो उसने कहा, विक्की तूने सुना नहीं? लेकिन इस बार भी उसने नहीं सुना और ध्रुव ने उसका कंधा हिलाते हुए कहा, कहाँ खो गया है? विक्की ने अजीब तरीके से ध्रुव की तरफ देखते हुए कहा, छलावा और चेरी। ध्रुव को कुछ समझ नहीं आया और उसने पूछा, छलावा और चेरी का क्या हुआ? विक्की बोला, वो दोनों भाई बहन है और वो दोनों इस बात को जानते हैं। ध्रुव हैरानी में एकदम से चीखता हुआ बोला, क्या?